चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की जानकारी छिपाने, फैलाने और सेवा में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने के मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जो लोग संक्रमित हैं या किसी संक्रमितों के संपर्क में आए हैं, वे जिम्मेदार नागरिक का परिचय देकर अपनी जाँच करवाए, अपने संपर्क में आए लोगों की जानकारी दें, इससे कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा कम होगा। मंत्री ने कहा कि पिछले 3 दिनों में प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। अकेले जयपुर में 48 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यदि संक्रमित व्यक्ति की जानकारी और उसके संपर्क में आए लोगों की सूचना विभाग को देता है तो इससे सरकार और राज्य के लोगों को भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि संक्रमण फैलाना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि जो लोग कोरोना संक्रमितों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं, उनसे दुर्व्यवहार करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग भगवान के रूप में लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होने पर कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी धर्म का आदमी हो भले, इस सरकार की भी मदद होती, खुद की भी मदद होती और राजस्थान के लोगों की भी मदद होती। इसके बजाय हम छुपा रहे, हम डॉक्टर से गलत सलूक कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ से गलत सलूक कर रहे हैं, ये हरगिज बर्दाश्त करने लायक चीज नहीं है। जो लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए, आपकी जिंदगी बचाने के लिए, आम आदमी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के काम कर रहे हैं, 15-15 दिन तक लोग घरों में नहीं गए हैं, अस्पतालों में रह रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, क्या हम ऐसे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे जो भगवान के रूप में आपकी जिंदगी बचा रहे हैं? ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून अपना काम भी करेगा, क्योंकि कानून सबके लिए समान है, हम किसी धर्म और मजहब के मानने वाले हों। ये हमको कहीं इजाजत नहीं है कि हम मजहब की आड़ में, धर्म की आड़ में किसी आदमी को हम संक्रमित करें। राजस्थान में बहुत अच्छे इंतजाम सरकार ने किए हैं। कल भी मुख्यमंत्री जी ने जो धार्मिक स्थल है या जो पर्यटन स्थल है उनके आसपास भी रैंडम सैंपलिंग और पूरे प्रदेश में रैंडम सैंपलिंग का काम करने का निर्णय लिया है। उससे हम पूरे प्रदेश में कहीं भी संक्रमण का अगर खतरा हो तो उसका आभास हमको हो जाएगा, उसका अंदाजा हमको हो जाएगा, ताकि कम्युनिटी स्प्रेड